बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम आपको पैरी पैरी चिकन विद स्पेशल राइस बनाना सिखाते हैं। देखें, ये तकरीबन मैंने आधा किलो से ज़्यादा चिकन ले ली है, तकरीबन ये 6 पीसेस हैं। इसमें थोड़ी स्किन भी है और थोड़े पीस बगैर स्किन के भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका पैरी पैरी मसाला बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आधी चम्मच हम लोग ऑरिगानो लेंगे, ये तकरीबन आधी चम्मच ही नमक है। ये मेरे पास एक चम्मच पेपरिका पाउडर है। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो आप कश्मीरी रेड चिली भी ले सकते हैं, क्योंकि वो कलर में उसका कलर अच्छा होता है और ज़्यादा कलरफुल सी होती है। और ये है तकरीबन एक चम्मच मेरे पास अनियन पाउडर है, या आधी चम्मच काली मिर्च है, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है। ये सारे मसाले मैं इस देगची में डाल दूँगी। के बाद ये एक चम्मच भर के मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी इसी मसाले में। ये तकरीबन आधी चम्मच सरका है, वाइट सरका। ये एक छोटी चम्मच लेमन है, और ये तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल है। ये सारा ये मसाले में डाल के मैं ये मसाले को अच्छे से मिलाकर और फिर इसमें चिकन डाल दूंगी। ये देखिए दोस्तों, हमारा पैरी पैरी मसाला तैयार हो गया है, और ये मैं सारे चिकन इसमें डाल के इसको अच्छे से इसमें मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद तकरीबन मैं इसको 20 मिनट के लिए मैरिनेट करने रखती हूँ। आप चाहें तो इसको फ्रिज के अंदर रखें, आप चाहें तो इसको फ्रिज से बाहर रखें। और 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको, जब मैरिनेट हो जाएगी तो मैं आपको बता दूँ कि इसके बाद हम क्या करेंगे। ये देखें, सारी पीसेस के अच्छे से मसाला लगा लें, सारी जगह से लेकर एक ही हिस्से में इससे अच्छे से मसाला लगा लें। ये देखें दोस्तों, ये तकरीबन मैंने 20 मिनट के लिए चिकन मैरिनेट करने के लिए रख दी थी, और ये मैरिनेट हो गई है। और अभी इसी देगची में हम अपनी चिकन को पहले तकरीबन 5 मिनट के लिए हम लोग इसे बग़ैर कवर किए हुए पकाएंगे। इसके बाद फिर इसकी थोड़ी आँच धीमी करके हम इसको कवर करके ढक देंगे। देखिए दोस्तों, दूसरे चूल्हे पे मैंने चावल की तैयारी कर ली है, और मैंने एक पैन में तकरीबन 5 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल मेरा गर्म हो गया है। इसके अंदर मैं, ये मेरी तकरीबन एक छोटी प्याज है जो मैंने चॉप कर ली है, और ये तकरीबन आधी रेड पेपर है, ये भी मैंने चॉप कर लिया। अगर आपके पास रेड पेपर ना हो तो आप ग्रीन शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें रख के मैं तकरीबन 2 या 3 मिनट तक इसको पकाऊंगी। बस इसको हमें सॉफ्ट सा करना है, प्याज को हमें कलर बिल्कुल नहीं देना, इतना पकाएंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखें दोस्तों, ये तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको तेज़ आंच पे पकाया, फिर मैंने इसको आंच धीमी करके अब इसको पकने के लिए चिकन को छोड़ दिया है। और यहाँ पर हमारी ये अनियन और कैप्सिकम सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम जो मसाले डालेंगे, ये है पेपरिका पाउडर, हल्दी है आधी चम्मच, और आधी चम्मच ही ब्लैक पेपर है, और ये चिली फ्लेक्स है, कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास पेपरिका ना हो तो आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। के बाद ये मैंने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए भूना, ये मसाले इसके साथ मैंने भून लिए हैं। अब इसमें मैं एक ये चिकन स्टॉक डालूंगी, आप जिसके कंपनी का चाहें ले सकते हैं। ये करके तकरीबन 1 चम्मच जितना इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, ताकि आपका मसाला आपका जले नहीं। ये देखिए, हमारा मसाला भून गया है। और ये आप अपने हंसपे जायका नमक इसमें चावलों का डाल दें। मेरे 2 कप चावल हैं, इस हिसाब से मैंने इसमें नमक डाल दिया, क्योंकि मैंने नमक थोड़ा कम भी डाला है, क्योंकि ये जो चिकन चिप्स मैंने डाला था उसमें नमक होता है। मसाला अब अच्छे से भून गया है। अब इसमें मैं 2 कप चावल के हिसाब से तकरीबन 3 कप मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो 3 कप से तकरीबन थोड़ा सा ही कम है, ये मैं इसमें डाल दूँगी पानी। ये तकरीबन पूरा पानी इसमें चला जाएगा। पानी डालने के बाद और इसमें एक उबाल आएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें एक उबाल आने के बाद कि हम इसमें क्या करेंगे। ये चावलों के पानी में उबाल आ गया है। ये तकरीबन मेरे 1 कप फ्रोजन मटर हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी।
और मटन डालने के बाद ये तकरीबन 2 कप चावल है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छी तरीके से मिलाकर, और जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको धीमी आंच करके तवे पे डाल दूंगी। देखिए दोस्तों, ये एक तरफ से चिकन गल गई थी तो मैंने इसको पलट के दूसरी तरफ कर दिया और ये हमारी पेरी पेरी चिकन तैयार हो रही है। और इस साइड पे हमारे चावल है, अब इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, इसका पानी एकदम ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको तवे पे डाल के 5 मिनट का दम दे दूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये दोनों चीज़ें किस तरह से तैयार होती हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पेरी पेरी चिकन यहाँ रेडी है और यहाँ पर हमारे चावल भी रेडी है। मैं अब आपको इन दोनों चीज़ों को डिश आउट करके बताती हूँ। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पेरी पेरी चिकन विद राइस, स्पेशल राइस तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, खुद भी खाएं, अपने दोस्तों को भी खिलाएं और प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये आपको कैसा लगा। और अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर दोबारा हाज़िर होते हैं, तब तक कर लिए अल्लाह हाफिज़।